ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 528, क्लैरिफाइड ऑन 12 अक्टूबर 2006 एट हैदराबाद। दिस इज द नाइट क्लास ऑफ द 14th May 1967। धीरंधर मनुआ धीरंधर। द रिकॉर्ड प्लेड इज धीरज धर मनुआ धीरज धर, मीनिंग बी पेशेंट ओ माइंड बी पेशेंट। बच्चों को यही कहा जाता है और बच्चे जानते भी हैं कि दिल होती है कि जल्दी जल्दी सतयुग में चले जावे। और इस दुख की दुनिया से छूट जावे। This itself is said to the children, and the children also know that they wish we may go to the golden age quickly and get liberated from this sorrowful world. परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। But the drama moves very slowly. जो मिसल चलता है। It moves like a louse. बच्चों को आकर वेला होती है तो बाप कहते हैं धीरज धर। द चिल्ड्रन बिकम एंग्शियस सो द फादर सेज हैव पेशेंस। बाकी थोड़े ही रोज हैं। ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट। बड़ों बड़ों द्वारा की आवाज सुनते रहेंगे। You will keep hearing this voice from the great personalities as well. यह दुनिया बदलनी है। Now the world is going to change. जो भी बड़े बड़े पोप जैसे हैं, जिनका बहुत मान मर्तबा है इस दुनिया में, वो भी कहते हैं कि ये दुनिया बदलने वाली है। All the great personalities like the Pope, who have a very high honor and position in this world, they too say, this world is going to change. Achha, duniya badalne wali hai. Achha, if the world is going to change, toh phir peace kaise hogi? How will there be peace? आपस में मिलकर खीर खंड कैसे होंगे? How will we come together and become खीर खंड? Literally means खीर, a dish made by boiling rice in milk with sugar. Figuratively, to live in harmony. बच्चे जानते हैं। The children know. कि सतयुग में खीर खंड हो जाते हैं। We become खीर खंड in the golden age. जैसे खीर को खीर होती है, चावल दूध चीनी तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। Just like in खीर, rice, milk and sugar, all three mix and become one. यहाँ भी मनुष्य शक्ति का ये झाड़ है। सिमिलरली हियर दिस इज द ट्री ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की आत्माएं। देर आर मेनली थ्री काइंड ऑफ सोल्स इन इट। आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं। One is the souls who remain firm in their religion from the beginning till the end. दूसरी वो है
जो दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होती है। द अदर ग्रुप इज ऑफ दोज हु गेट कन्वर्टेड टू द रिलीजन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कल्प ट्री। विधर्मी तो बनती है, दे डू बिकम विधर्मी, लेकिन स्वदेशी बनकर रहती, बट दे रिमेन स्वदेशी। और तीसरा ग्रुप वो है जो बाई ओर के धर्मों में, वाम मार्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप इज ऑफ दोज हु गेट कन्वर्टेड टू द रिलीजन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, द लेफ्ट पाथ। विदेशी भी बन जाते और विधर्मी भी बन जाते। दे बिकम विदेशी एज वेल एज विधर्मी। तीनों प्रकार की आत्माओं के स्वभाव संस्कार में अंतर तो होगा ही। सो देर विल डेफिनेटली बी अ डिफरेंस इन द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ दीज थ्री काइंड्स ऑफ सोल्स। परंतु बाप आते हैं, वो तीनों ही ग्रुप से विशेष विशेष आत्माओं को चुन करके उनको एक संस्कार वाला बनाई देती। बट द फादर कम्स एंड चूजेस द स्पेशल सोल्स फ्रॉम ऑल द थ्री ग्रुप्स एंड मेक्स देम द वंस विथ वन काइंड ऑफ संस्कार्स। खीर खंड बनाई देते हैं, ही मेक्स देम खीर खंड। इस समय तो सब लून पानी है। राइट नाउ एवरीवन इज लाइक सॉल्ट एंड वाटर। एक ही घर में बाप कुछ और कहता है, बच्चा कुछ और कहता है, पत्नी कुछ और कहती है, माता पिता कुछ और कहने लग पड़ते। इन द सेम हाउस द फादर सेज समथिंग, द सन सेज समथिंग एल्स, द वाइफ समथिंग एल्स एंड द पेरेंट्स से समथिंग एल्स। पारिवारिक कलह कलेश बढ़ता ही जाता है। Disputes and quarrels keep increasing in the family. अभी हमने पक्का कर लिया है। Now we have decided कि हम खीर खंड होकर रहेंगे। We will live in harmony. उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते। On that side, people keep becoming more like salt and water day by day. किस तरफ? On which side? BK. Student BK. बाप बेहद का बाप है। The father is the unlimited father. बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते। The unlimited father speaks about the unlimited concepts to the unlimited children. हद की दुनिया के बच्चे भी नहीं है। The children aren't of the limited world. और हद की दुनिया वालों से बात भी नहीं करते। And he doesn't talk to the people of the limited world either. इन बच्चों से बात करते हैं। He talks to which children? जो बेहद की दुनिया के बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। He talks to the children who belong to the unlimited world. उनके सामने प्रकट होते हैं। He gets revealed in front of them. हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वालों के सामने प्रकट भी नहीं होते। He doesn't get revealed in front of those who engage their intellect in the limited world either. वो सब है भक्त संप्रदाय। All of them belong to the community of devotees. उनको तो भक्ति से दुर्गति पानी ही है। They are sure to attain degradation through bhakti. तो दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। So they keep becoming more like salt and water day by day. उनको लड़ झगड़ करके आपस में खत्म होना।
दे विल फिनिश देमसेल्व्स बाय फाइटिंग एंड क्वारलिंग विथ ईच अदर। ये घोषणा 66 में ही कर दी थी। दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड इन द ईयर 1966 इटसेल्फ। कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया बन जाएगी। द ओल्ड वर्ल्ड विल एंड एंड द न्यू वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड। परंतु हथेली पर तो आम नहीं जमाया जाता। बट अ मैंगो कांट बी ग्रोन ऑन द पाम ऑफ द हैंड। 66 की घोषणा 76 से सफलीभूत होती है। The declaration of 1966 yields results from the year 1976. ब्राह्मणों की दुनिया में दरार पड़ जाती है। There is a breach in the Brahmin family. एक तरफ एडवांस पार्टी, on one side is the advanced party, और दूसरी तरफ बेसिक नॉलेज की पार्टी। And on the other side is the basic knowledge party. एक तरफ भगवान प्रत्यक्ष कार्य करता है। On one side God himself is working. और दूसरी तरफ भक्ति मार्ग वाली बातें साकार होने लगती है। And on the other side the notions of the path of bhakti start being adopted. इसी भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान आया था। Just like they say in the path of bhakti, God had come. Brahma ke dwara Brahman rache the. And created Brahmins through Brahma. Past ki baatein katha kahaniya baith kar ke suna. They narrate the stories of the past. Baap kehte. The father says. Ye sab bhakti marg ki baatein. All these are the concepts of the path of bhakti. सब लड़ झगड़ के खलास हो जाएंगे। They will all fight and quarrel with each other and die. पूरी तैयारियां हो रही है। All the preparations are being made. ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। Now this cycle of the drama comes to an end. पुरानी दुनिया पूरी होती है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। The old world comes to an end and a new world is being established. पुरानी दुनिया के संगठन का नाम क्या बताया? What was the gathering of the old world name? अरे संगठन बनता है वर्तमान नाम क्या बताया? अरे when a gathering is formed स्टूडेंट ओम मंडली वॉट इज इट्स प्रेजेंट नेम? वर्तमान पुरानी दुनिया खलास होनी है या पास की खलास होनी है? इज द नाउ एग्जिस्टिंग ओल्ड वर्ल्ड गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड और इज द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड? अरे वर्तमान पुरानी दुनिया खलास होगी ना, तो पुरानी दुनिया का जो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में उसका नाम क्या है? अरे द नाउ एग्जिस्टिंग ओल्ड वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड वोंट इट? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द गैदरिंग ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स? इसकी घोषणा 76 के लिए की गई थी। संक्षेपता से पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। द डिक्लेरेशन विच वॉज मेड फॉर द ईयर 1976 दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 1976। नई दुनिया का नजारा सामने आता है और पुरानी दुनिया बुद्धि में बैठती है कि आज नहीं तो कल खलास होने वाली है। द सीन ऑफ द न्यू वर्ल्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट सिट्स इन द इंटेलेक्ट
दिस ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एनी डे। तो पुरानी दुनिया पूरी होती है, उस संगठन का नाम है, क्या नाम है? सो द ओल्ड वर्ल्ड कम्स टू एन एंड, द नेम ऑफ द गैदरिंग इज, व्हाट इज द नेम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आपने कहा तुम वह शब्द हटा करके गॉड फादर की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख दो। द फादर सेड यू शुड रिमूव दोज वर्ड्स एंड राइट गॉडफादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दो। राइट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंस्टेड। बाद में तो सब सेंटेंस पर लिखना ही पड़ेगा क्या? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लेटर ऑन यू विल सर्टनली हैव टू राइट इट ऑन ऑल द सेंटर्स। वॉट? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो कौन सी दुनिया के विनाश का इशारा दिया? सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ विच वर्ल्ड वॉज इंडिकेटेड? और कौन सी दुनिया की स्थापना का नजारा बताया? एंड द सीन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच वर्ल्ड वॉज स्पोकन ऑफ? अधिआत्म, अधि माने अंदर, आप माने आत्मा। अधिआत्म, अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल। आत्मा के अंदर की क्या क्या बातें हैं? व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द सोल? वो सारा विस्तार आत्माओं का बाप ही आकर के सुना सकते हैं। Only the father of the souls can come and explain all that in detail. जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उस बाप के द्वारा आत्माओं का बाप सुनाती। The father of the souls narrates the knowledge through the father of the human world. उस राज को ब्रह्मा के मुख से सुनाया तो गया। That secret had definitely been narrated through the mouth of Brahma. लेकिन न ब्रह्मा समझता है और न ब्रह्मा को फॉलो करने वाले समझते। But neither Brahma nor the followers of Brahma understood it. क्योंकि ब्रह्मा के लिए बोल दिया ब्रह्मा है देवी बुद्धि। मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा को बीच में सुन लेता है। बीच में सुन लेता है बिकॉज इट हैज बीन सेट फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा इज द वन विथ अ बेबी लाइक इंटेलेक्ट। आई नरेट द नॉलेज टू यू चिल्ड्रन। दिस ब्रह्मा लिसन्स टू इट इन बिटवीन। ही लिसन्स इन बिटवीन। इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है क्योंकि बेबी बुद्धि है। He, that is the father, doesn't intend to narrate it to him because he is the one with a baby like intellect. ऐसे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में कविता, दोहा, चौपाई, कविता रट लेते हैं, लेकिन उसका गुह्यार्थ क्या है वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। Just like young children do memorize kavit, doha, chopai and poems in the primary school, but their deep meanings don't sit in their intellect. Kavit means a Hindi syllabic meter having four lines with 31 syllables per line. Doha means a rhyming couplet. Chopai means a quatrain. I see. Brahma ke mukh se jo bhi sunaya, वो गीता ज्ञान तो हुआ लेकिन मंथन न होने के कारण गीता ज्ञान अमृत नहीं हुआ।
सिमिलरली एवरीथिंग दैट वॉज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा वॉज सर्टनली द नॉलेज ऑफ द गीता बट एज इट वॉज इन चर्न्ड इट डिडंट बिकम द नेक्टर ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता. अमृत पीकर देवताएं अमर बने. द डेटीज बिकेम इमॉर्टल बाय ड्रिंकिंग नेक्टर. वो अमृत रस निकलता ही तब है जब मनन चिंतन मंथन किया जाए. द जूस ऑफ नेक्टर एमर्जेस ओनली व्हेन द थिंकिंग एंड चर्निंग इज डन. मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है तो हाला हाल विष भी निकलता है. व्हेन चर्निंग इज डन नेक्टर एज वेल एज द डेडली पॉइजन एमर्जेस. हाला हाल विष पीकर असुरों का विनाश हुआ. The demons were destroyed by drinking the deadly poison. और दैवी शक्ति का परिवर्तन होता है, स्थापना होती है अमृत रस पीकर के. And the old world gets transformed into a divine world. The establishment takes place by drinking the juice of nectar. अमृत अमर बनाता है, विषय रस खलास कराता है. नेक्टर मेक्स समवन इमॉर्टल एंड पॉइजन डिस्ट्रॉयज. विषय विकारी इस दुनिया से चले जाएंगे. द विशेस वंस विल लीव दिस वर्ल्ड. और निर्विकारी देवताएं रह जाएंगे. एंड द वाइसलेस डेटीज विल रिमेन. अभी प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना हो रही है. नाउ द न्यू वर्ल्ड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन प्रैक्टिस. नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती है, फिर नई दुनिया बनती है. द न्यू वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स द ओल्ड वर्ल्ड एंड देन इट बिकम्स द न्यू वर्ल्ड अगेन. इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता है. This is called the cycle of the world. ये चक्कर फिरता ही रहता है. ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाएगी. नहीं. The cycle keeps rotating. It isn't that the old world will become new after lakhs of years. No. ये तो पूरा साइकिल है ही 5,000 साल का. In fact, this entire cycle is of just 5,000 years. 5,000 साल के अंदर दुनिया की हर आत्मा जहां से चक्कर लगाना शुरू करती है वहीं पहुंचती है, उसी स्टेज में पहुंचती है. दुनिया का अणु अणु कण कण जहां से साइकिल शुरू करता है आखिरी वहीं पहुंचता है. तो लाखों वर्षों में पुरानी दुनिया नई नहीं होती या नई दुनिया पुरानी नहीं होती, सिर्फ 5,000 वर्ष का चक्कर. इन 5,000 ईयर्स एवरी सोल ऑफ द वर्ल्ड रीचेस द वेरी पॉइंट द वेरी स्टेज फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड इट्स साइकिल. Ultimately, every atom, every particle of the world reaches the very point from where it had started its cycle. So the old world doesn't become new or the new world doesn't become old in lakhs of years. This cycle is of just 5,000 years. You children can understand it very well. तुम्हारी बुद्धि में भक्ति बिल्कुल उड़ गई, इसलिए तुम अच्छी रीति जान सकते हो. भक्ति हैज कम्प्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम योर इंटेलेक्ट. दिस इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. क्योंकि भक्ति आती है रावण से. इट इज बिकॉज भक्ति कम्स फ्रॉम रावण. रावण अनेक सिर वाला होता है. रावण हैज मेनी हेड्स. अनेक मतों वाला होता है. He has many opinions.
अनेक मत माने ही अनेक सिर, और राम एक सिर वाला होता है, एक ही प्रकार की राय देता है, एक ही मत देता है। मेनी ओपिनियंस इटसेल्फ मीन मेनी हेड्स एंड राम हैज वन हेड। He gives only one kind of opinion. He gives just one kind of direction. तो ज्ञान बिल्कुल अलग चीज हो जाती है और भक्ति बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। So, knowledge and bhakti are completely different things. भक्ति का संबंध है अनेक मत देने वाले रावण के साथ है। रावण रुलाने वाला है। भक्ति इज कनेक्टेड टू रावण हु गिव्स मेनी ओपिनियंस। रावण इज द वन हु मेक्स एवरीवन क्राई। और राम रमण कराने वाला है। एंड राम इज द वन हु डिलाइट्स एवरीवन। प्रसन्नता देने वाला है। ही मेक्स देम हैप्पी। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। नॉलेज इज कनेक्टेड टू राम। क्या वॉट? ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। नॉलेज इज कनेक्टेड टू राम। रावण के साथ नहीं है। इट इजंट कनेक्टेड टू रावण। रावण है भेद पैदा करने वाला। रावण इज द वन हु क्रिएट्स डिफरेंसेस। इसलिए राम राज्य राम के द्वारा स्थापन होता है। दिस इज वाई द किंगडम ऑफ राम इज एस्टैब्लिश्ड बाय राम। नई दुनिया के आदि में इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और रावण राज्य अनेक सिरों वाले रावण के द्वारा स्थापन होता है द्वापर के आदि से। एंड द किंगडम ऑफ रावण इज एस्टैब्लिश्ड बाय रावण हु हैज मेनी हेड्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज। राम से ज्ञान आता है, रावण से भक्ति आती है। Knowledge comes from Ram and Bhakti comes from Ravan. So, Ravan kaun? So, who is Ravan? Ye tum abhi samajh rahe ho. You are understanding this now. Ki Ravan kaun hai? Aur Ram kaun hai? Who is Ravan and who is Ram? अभी बाप को बुलाते हैं। नाउ यू कॉल द फादर। कि हे पतित पावन आओ। ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम। हम बहुत पापी नीच कपटी बन चुके हैं। वी हैव बिकम वेरी सिनफुल डिग्रेडेड एंड डिसीटफुल। आत्मा में पश्चाताप होता है। The soul repents. तो कहते हैं कि आकर के नई दुनिया की स्थापना करो। So they say, come and establish the new world. नई दुनिया में तो जरूर सुखी ही सुख होता है और पुरानी दुनिया में दुखी दुख होते हैं। अभी बच्चे छोटे हों अथवा बड़े हों सब जान गए। देर इज डेफिनेटली हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस इन द न्यू वर्ल्ड एंड देर इज सोरो एंड ओनली सोरो इन द ओल्ड वर्ल्ड। नाउ ऑल द चिल्ड्रन वेदर दे आर यंग और ओल्ड नो कि अभी हमको घर वापस जाना है। नाउ वी हैव टू गो बैक होम। इस दुनिया में अब हमारा निभाव होने वाला नहीं है। नाउ वी कांट लिव इन दिस वर्ल्ड।
छोटे बच्चे हो, कम समझदार हो या बड़े बच्चे हो, ज्यादा समझदार हो, सबकी बुद्धि में ये बैठता जाता है, ये नाटक पूरा होता है। Whether they are young children who are only a little wise or the older children who are wiser, it goes on sitting in the intellect of everyone. This drama ends. हम फिर से आप सतयुग में जाएंगे। Now we will go to the golden age again. ये 84 जन्मों का चक्कर अभी पूरा होता है। Now the cycle of 84 births comes to an end. जब पूरा होता है तो आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन होता है। When it gets completed, the soul realizes itself. The soul realizes itself. कैसे? How? साक्षात्कार से। Through divine visions. साक्षात्कार से क्या देखेंगे? What will you see through divine visions? Atma bindi hai. A soul is a point. To sabhi atma bindi hai. Kide, makode, pasu, pachi, kitano, sab ki atma bindi hai. So all the souls are points. Worms, insects, animals, birds and bacteria. Everyone's soul is a point. To hame apni atma ka kya sakshatkar hua? So, what divine vision will you have about your soul? Pavitrata. Student, purity. Purity. Atma jab pavitra banti hai, to isse purani duniya mein reh nahi sakti. Aur aap pavitra banti hai, तो पुरानी दुनिया ही अच्छी लगती है। When a soul becomes pure, it can't live in this world. And when it becomes impure, it likes the old world itself. रावण के साथ नारा लगाते हैं, अंधेरा कायम रहेगा। They chorus in unison with Ravan. Darkness shall prevail. उजाला आने नहीं देंगे। And we will never allow the light to come. ज्ञान सूर्य बाप को पहचानने नहीं देंगे। We will never allow people to recognize the father, the son of knowledge. ज्ञान सूर्य बाप आया ही नहीं। The father, the son of knowledge hasn't arrived at all. रावण की रग में रग मिला करके चल बात करते। They speak in unison with Ravan. तो आत्मा का ज्ञान अर्थात अपने 84 जन्मों का ज्ञान। सो द नॉलेज ऑफ द सोल मीन्स द नॉलेज ऑफ योर 84 बर्थ्स। 84 जन्मों की माहिती हमें अपनी आत्मा में दर्शन होने लगती है। योर सोल स्टार्ट्स रियलाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द 84 बर्थ्स। एक होता है अंदर की आंख से देखना। One is to see through the internal eye. और एक होता है बाहर की आंख से देखना। And the other is to see through the external eye. अंतरचक्षु खुलते हैं। If the internal eye is open, तो मन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। The thinking and churning starts. तब चलता है जब इस दुनिया से बैराग आता है। इट स्टार्ट्स व्हेन यू फील डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। इट इज सेड इवन इन द पाथ ऑफ भक्ति। बिनु वैराग विवेक न हुई। यू कांट अटेन नॉलेज विदाउट बीइंग डिटैच्ड। राम कृपा बिनु And it is difficult to attain even that without the mercy of Ram. भक्त कहते हैं भगवान की कृपा के बगैर
ज्ञान मिल ही नहीं सकता। द डिवोटीज से यू कांट अटेन नॉलेज एट ऑल विदाउट द मर्सी ऑफ गॉड। और भगवान एक के ऊपर आकर कृपा करेंगे, दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? एंड इफ गॉड कम्स एंड हैज मर्सी ऑन वन, वोंट ही हैव मर्सी ऑन द अदर्स? कोई पर कृपा करे, कोई पर आकृपा करे, उसको भगवान कहा जाता है क्या? Will someone who shows mercy for someone and leaves out the others be called God? भगवान पार्शियलिटी वाला होता है क्या? Is God partial? पक्षपात करता है क्या? नहीं। Does he show favoritism? No. भगवान कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता। He doesn't promote any kind of favoritism. ऐसे नहीं कि एक को ज्ञान अर्जुन को देता है और बाकी को ज्ञान नहीं देता। It isn't that he gives knowledge to one Arjun and doesn't give it to the others. गीता ज्ञान तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि यादवों, कौरवों और पांडवों तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया गया। It is even praised in the scriptures that the knowledge of the Gita was narrated in front of all the three armies, the Yadavs, the Kauravs and the Pandavs. तीनों सेनाओं की संख्या मिलकर बता दी 18 अक्षोणी। The total population of the three armies together was said to be 18 अक्षोणी, meaning a fixed count of army with a specific number of infantry, cavalry, etc. जो आज की दुनिया के 500 करोड़ मनुष्यों के बराबर संख्या है। That is equivalent to the population of the present world of 5 billion human beings. उसमें हाथी, घोड़ा, जो भी है, उन सब का समावेश हो जाता है। All the elephants, horses and all the others are included in it. ऐसे नहीं कि मनुष्य हाथी और घोड़ा बनता है। It isn't such that a human being becomes an elephant or a horse. हाथी और घोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले होते हैं। They play parts like an elephant or a horse. तो तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया जाता है। So the knowledge of the Gita is narrated in front of the three armies. लेकिन ग्रहण कौन करते हैं? But who accepts it? पांडव ग्रहण करते हैं, धारणा करते हैं और दूसरों को धारणा कराते हैं। The Pandavas accept and assimilate it and they enable the others to assimilate it. जो 5 पांडवों की संख्या थी वो दूसरों को धारणा कराने के कारण 5 से बढ़कर के 11 अक्षोणी कौरव रहे और 7 अक्षोणी पांडव बन गए। The Pandavas were 5 in number because of enabling others to assimilate the knowledge. The army of the Kauravs was 11 akshoni and the population of Pandavas increased from 5 to 7 akshoni. ऐसे नहीं ईश्वरीय ज्ञान को सब अपोजिशन करते। इट इज इन दैट एवरीवन ऑपोजिस द नॉलेज ऑफ गॉड। नहीं, नो, समझने से बहुत समझ ली जाती है। मेनी पीपल अंडरस्टैंड इफ इट इज एक्सप्लेन टू देम। जो समझते हैं उनका फिर मन चिंतन मंथन चलता है। Those who understand, they think and churn. मंथन चलता है तो आत्मा को अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है बुद्धि के तीसरे नेत्र से। And when the churning goes on, the soul has the divine visions of its many births through the third eye of the intellect. सच्ची चेतन का दर्शन होता है अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है।
When someone realizes the word cycle, it means that the soul receives the third eye of knowledge. इसको कहा जाता है त्रिनेत्री. Such a person is known as त्रिनेत्री. तीसरे नेत्र से देखने वाला. The one who perceives everything through the third eye. अभी तुम त्रिनेत्री हो. Now you are त्रिनेत्री. त्रिनेत्री बाप और त्रिनेत्री बच्चे. The father as well as the children are त्रिनेत्री. और सब मनुष्यों को यही दो नेत्र. All the other humans have only these two eyes. तीसरा नेत्र कोई को नहीं है. No one has the third eye. और तुमको तीसरा नेत्र मिला है त्रिनेत्री बाप से. And you have received the third eye from the त्रिनेत्री father. देने वाला एक ही त्रिनेत्री बाप है. The त्रिनेत्री father himself is the giver of the third eye. तो बोला. So it was said. कि ज्ञान का नेत्र कोई के पास नहीं. No one has the eye of knowledge. त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने. One becomes त्रिकालदर्शी only when he becomes त्रिनेत्री. क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना. It is because the soul receives the knowledge, doesn't it? आत्मा ये शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है. The soul itself leaves one body and takes on another. संस्कार आत्मा में रहते हैं. The संस्कार्स आर प्रेजेंट इन द सोल. शरीर में संस्कार नहीं होते. द बॉडी डजंट हैव संस्कार्स. मनुष्य शरीर छोड़ता है. व्हेन अ ह्यूमन बीइंग लीव्स हिज बॉडी आत्मा निकल जाती है. द सोल डिपार्ट्स. मन मन बुद्धि के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं. विच मीन्स दैट द संस्कार्स दैट आर रिकॉर्डेड इन द माइंड एंड इंटेलेक्ट. वो तीनों शक्तियां चली जाती. ऑल द थ्री पावर्स गो अलोंग विथ इट. मन की मनन चिंतन शक्ति चली जाती. द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड चर्न गोज अवे. बुद्धि की फैसला करने की शक्ति चली जाती है. द पावर ऑफ द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट गोज अवे. और मन बुद्धि में जो वर्तमान जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कार है अच्छे और बुरे वो भी साथ साथ जाते. And the good and bad संस्कार्स of the present as well as past births, which are present in the mind and intellect, also go along with it. तो आत्मा में ही संस्कार होते हैं. So the संस्कार्स are present in the soul itself. उन संस्कारों का पता अनेक जन्मों के आधार पर तुमको अभी पड़ता है. It is now that you come to know about those संस्कार्स on the basis of many births. हमने कौन से जन्म में कौन से संस्कार धारण किए. What kind of संस्कार्स have you assimilated in which birth? कौन से जन्म में आसुरी संस्कार धारण किए और कौन से जन्म में दैवी संस्कार धारण किए. In which birth have you assimilated demonic संस्कार्स and in which birth have you assimilated divine संस्कार्स. आत्मा अविनाशी है. The soul is imperishable. संस्कारों का परिवर्तन होता है. द संस्कार्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड. लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता. आत्मा तो आत्मा है. अविनाशी आत्मा. बट अ सोल डजंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड. अ सोल इज ऑलवेज अ सोल. द सोल इज इम्पेरिशेबल. अभी बाप कहते हैं. नाउ द फादर सेज के नाम रूप से न्यारा बन जाओ. बिकम डिटैच्ड फ्रॉम योर नेम एंड फॉर्म. नाम रूप में बुद्धि को नहीं फंसाना है. यू डोंट हैव टू इंटेंगल योर इंटेलेक्ट इन समवंस नेम एंड फॉर्म. नाम रूप में बुद्धि को फंसाना अर्थात देह अभिमानी बनना. टू इंटेंगल योर इंटेलेक्ट इन समवंस नेम एंड फॉर्म मीन्स टू बिकम बॉडी कॉन्शियस.
अभी तो आत्मा अभिमानी बनने का टाइम है। नाउ इज द टाइम टू बिकम सोल कॉन्शियस। अपन को आसारी भी ज्योति बिंदु आत्मा समझो। कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडीलेस पॉइंट ऑफ लाइट सोल। दूसरों को भी देखो, बात करो तो प्रकृति में देखते हुए उनको आत्मा ज्योति बिंदु समझो। इवन वेन यू सी और स्पीक विथ अदर्स, लुक एट देयर भ्रिकुटी एंड कंसिडर देम एज अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट। नहीं समझो, डोंट कंसिडर देम एज अ बॉडी। ये भी जानती हो, यू इवन नो दिस, कि ऐसे तो हम आधा कल्प से बाप को याद करते आए। एक्चुअली वी हैव बीन रिमेम्बरिंग द फादर फॉर हाफ द कल्पा। उसमें भी जब जास्ती दुखी होते हैं तो जास्ती याद करते हैं। Even in that, we remember him more when we become more sorrowful. अभी तो देखो कितना दुख है। Look, now there is so much sorrow. आगे इतना दुख नहीं था। Earlier, there wasn't so much sorrow. जब से बाहर वाले आए हैं। From the time when the outsiders came. तब से ये राजाएं लोग आपस में ही लड़ पड़े। दीज किंग्स स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। तब से जुदाई होना शुरू होती है। सेपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देम। बाहर वाले माने कौन? इस्लामिक। हु आर द आउटसाइडर्स? स्टूडेंट, द इस्लामिक पीपल एंड द बुद्धिस्ट्स। विदेशी आत्माएं जब से भारत में आई तब से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। फ्रॉम द टाइम द विदेशी सोल्स केम, डिस्प्यूट्स एंड क्वारल स्टार्टेड। तो कितना दुख बढ़ गया। सो द सोरो हैज इंक्रीज्ड सो मच। सत्युग में तो एक ही राज्य था। देयर वाज जस्ट वन किंगडम इन द गोल्डन एज। अभी तो कलयुग से लेकर के सतयुग तक की हिस्ट्री समझ रहे। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द आयरन एज टू द गोल्डन एज। जानते हो सतयुग और त्रेता में एक ही राज्य था। यू डू नो दैट देयर वाज जस्ट वन किंगडम इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज। ऐसी एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं है। देयर इज नो अदर डायनेस्टी लाइक दिस। कैसी? What kind of dynasty? 21 जन्मों तक कोई की dynasty चलती रहे। That someone's dynasty might prevail for 21 births. वल history में अनेक प्रकार की dynasties हुई। Although there have been many dynasties in history. Christians में से भी देखो कितनी फूट पड़ गई। लुक, देर हैव बीन सो मेनी डिसेंशंस इवन अमंग द क्रिश्चियंस। वहां पर तो सारा विश्व एक ही के हाथ में रहता है। देर द एंटायर वर्ल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ द वन। कहां? वेयर? जब नई दुनिया बनती है सत्य दुनिया। When the new world is established in the golden age. वो सिर्फ सतयुग और त्रेता में ही होता है। That happens only in the golden and the silver age. वो सतयुग की स्थापना एक बाप ही आकर करता है। The one father himself comes and establishes the golden age. और अनेकता की स्थापना अनेक देहधारी धर्म गुरु करते हैं। एंड द न्यूमरस बॉडीली रिलीजियस गुरुज एस्टैब्लिश डाइवर्सिटी। जिनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दे आर कॉल्ड दोज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ रावण। अभी वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। नाउ द अनलिमिटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज प्रेजेंट इन योर इंटेलेक्ट।
और कोई भी सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी शब्द नहीं सुनेंगे। यू वॉन्ट हियर द वर्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन एनी अदर सत्संग। वहां पर तो रामायण महाभारत आदि सुनाते। देयर दे नरेट द रामायण द महाभारत एटसेट्रा। यहाँ पर वो बात नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट हियर। यहाँ पर कोई मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र नहीं सुनाए जाते। Here, the scriptures written by human beings aren't narrated at all. यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। The history and geography of the world is narrated here. तुम्हारी बुद्धि में है। You have this in your intellect. ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला एक ही ऊंची ऊंची बाप है। द हाइस्ट ऑफ द हाई फादर अलोन इज द वन हू नरेट्स द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं वो अधूरी बताते। द अदर्स हू नरेट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी नरेट इनकम्प्लीट नॉलेज। मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। ह्यूमन बींग्स हैव द हिस्ट्री ऑफ जस्ट 2500 ईयर्स। 2500 वर्ष की ज्योग्राफी वो भी अधूरी। दे हैव द ज्योग्राफी ऑफ 2500 ईयर्स विच इज इनकम्प्लीट। बाप आकर के एक्यूरेट बताते। द फादर कम्स एंड गिव्स द एक्यूरेट अकाउंट। तो ये सब बाप का सिजरा है। ऑल दिस इज द फादर्स फैमिली ट्री। एक है आत्माओं का झाड़। वन इज द ट्री ऑफ द सोल्स। और दूसरा है मनुष्यों का झाड़। एंड द अदर इज द ट्री ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आत्माओं के झाड़ का बाप कौन। हु इज द फादर ऑफ द ट्री ऑफ द सोल्स। शिव बाप। द फादर शिव। शिव माने बिंदु। शिव मीन्स द पॉइंट। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। The name of my point itself is Shiv. ये सदा शिव है। He is सदा शिव। ये कभी बदलने वाला नहीं है। He never changes. ये बात दूसरी है कि जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते। It is a different matter that when the body changes, the name also changes. दादा जी एक राज में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा नाम काम के आधार पर। When he enters Dada Lekhraj, he is named Brahma on the basis of his task. राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं अंतिम 84वें जन्म में तो शंकर नाम पड़ता है। And when he enters the soul of Ram in his last 84th birth, he is named Shankar. क्योंकि एक ही देवता है जो देव देव महादेव गाया हुआ है। Because there is only one deity who is praised as Dev Dev Mahadev. सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता। He is the most elevated deity. श्रेष्ठ किस आधार पर हुआ? On what basis is he the most elevated? क्या काम किया? Student, on the basis of his task, what did he do? जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ महादेव बन जाते हैं। That he became the most elevated deity Mahadev. वो भी कैसे होता है? Student, the destruction of the old world. How does even that happen? Student, he sits in remembrance. Another student, Shiv enters him. शिव और शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया है? Why have Shiv and Shankar been combined and considered as one? क्योंकि शिव बाप जब आते हैं तो नंबर वार अपने बच्चों को आठ समान बनाते हैं। Because when the father Shiv comes, he makes his children number wise equal to him. उन आठ
करने वाले बच्चों में जो अव्वल नंबर है उसका नाम बाप शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। The one who is at the first place among those children who became equal to him, his name is combined with that of the father Shiv. और कोई भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। There is no other deity whose name would be combined with Shiv. शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे। It won't be said Shiv Brahma. शिव विष्णु नहीं कहेंगे। और शिव विष्णु। कोई देवता को शिव के साथ नहीं जोड़ेंगे। नो डेटी विल बी कंबाइंड विद शिव। सिर्फ एक शंकर है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। देर इज जस्ट शंकर हुज नेम इज कंबाइंड विद दैट ऑफ शिव। ये एंड सन्स कंपनी है। दिस इज द एंड सन्स कंपनी। उस साकार बाप में निराकार बाप बन करके जब कंपनी पक्की करता है तो नई दुनिया की स्थापना होती है। When the incorporeal one enters the corporeal one as a father and confirms the company, it is then that the new world gets established. पुरानी दुनिया का विनाश होता है। And the old world gets destroyed. नहीं तो रामकृष्ण की आत्माएं तो 63 जन्म भी इसी दुनिया में थी ना। Otherwise, the souls of Ram and Krishna were present in this world even in the 63 births, weren't they? कुछ दुनिया का परिवर्तन हुआ क्या? Did the world get transformed at all? नहीं हुआ। It didn't. कब परिवर्तन होता है? When does it get transformed? जब शिव सुप्रीम सोल इस सच रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करता है। When Shiv, the supreme soul, comes to the stage-like world and enters the seed form father of the human world. उस बीज रूप बाप को हर धर्म में माना जाता है। That seed form father is acknowledged in every religion. मुसलमान लोग आदम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं। The Muslims call him Adam, the Christians call him Adam, the Jains call him Adinath, and the Hindus call him Adidev. तो एक है आत्माओं का झाड़ और दूसरा है मनुष्यों का झाड़। So, one is the tree of the souls and the other is the tree of human beings. मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? Who is on the top of the human tree? चित्र तो बनवा दिया गया है। The picture has certainly been made. शंकर स्टूडेंट शंकर। मनुष्यों के झाड़ में जो ऊपर बैठा हुआ है उसके लिए बोला है मुरलियों में। The one who is sitting on the top of the human tree, it has been set for him in the Murlis. Next to God is Shankar. Next to God is Prajapita. Next to God is Shankar. Next to God is Prajapita. Next to God is Krishna. Next to God is Krishna. Next to God is Narayan. Next to God is Narayan. इसका क्या मतलब हुआ? What does this mean? अरे next to God एक होगा या चार चार होंगे? अरे will there be one who is next to God or will there be four? एक ही होना चाहिए फिर चार चार क्यों बोलते? There should be only one. Then why were four entities mentioned? कोई आत्मा ऐसी होती है जिसका पार्ट दूसरी आत्मा से मिलता जुलता हो। स्टूडेंट रिप्लाइज इज देयर अ सोल हुज पार्ट माइट बी सिमिलर टू अनदर सोल। ऐसी तो दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं होती। देयर इज नो सच सोल इन द वर्ल्ड जिसका पार्ट
पार्ट कोई दूसरी आत्मा से हूबहू मिलता जुलता हो, हूज पार्ट माइट बी आइडेंटिकल टू सम अदर सोल। अरे ये तो चैतन्य आत्माओं की बात है। अरे दिस इज अबाउट लिविंग सोल्स। जो जड़ बीज होते हैं जैसे गेहूं के दाने, एक बोरा भर दो और खेत में बिखोर दो। देर आर इनर्ट सीड्स लाइक द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, टेक अ सैक फुल ऑफ इट एंड स्प्रेड इट इन द फील्ड। तो एक पौधा दूसरे से हूबहू मिलता जुलता है। विल वन प्लांट बी कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द अदर? स्टूडेंट नो, नहीं मिलता। दे वोंट मैच। किसी में 10 दाने निकलेंगे, किसी में 8 दाने निकलेंगे, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई चौड़े पत्ते वाला होगा, कोई कैसा होगा। सम प्लांट विल रिप 10 ग्रेन्स, सम विल रिप 8 ग्रेन्स। सम प्लांट विल बी टॉल, सम विल बी शॉर्ट। Some might have wide leaves and some other plant might have some other difference. तो एक के संस्कार न मिले दूसरे से। So the संस्कार्स of one can't match the others. तो जो भी मनुष्यों का झाड़ है उसका जो बीज है वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। So the seed of the human tree himself is called the great grandfather. Grandfather कहो, प्रजापिता कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात एक ही हो जाती। Whether you call him the grandfather, Prajapita, Krishna of the confluence age or Narayan, it is the same thing. ये जानती हो? You do know. कि ब्रह्मा ही मुख्य है। दैट ब्रह्मा अलोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? तो मुख्य हुआ। इज ब्रह्मा द क्रिएटर और इज ही द क्रिएशन? स्टूडेंट ही इज द क्रिएशन। देन इज ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट? ब्रह्मा रचना है तो मुख्य रचना है या रचयिता है? When Brahma is the creation the most important or the creator the most important? Student, the creation. Is the creation the most important? Student, no. Does the entire world work on the basis of the creation and not the creator? ब्रह्मा अनेकों का नाम है। स्टूडेंट रिप्लाइज, ब्रह्मा इज द नेम ऑफ मेनी। ब्रह्मा एक का नाम नहीं है। ब्रह्मा इज इन द नेम ऑफ जस्ट वन पर्सन। तो अनेक जो ब्रह्मा है उनमें कोई मुखिया भी होगा? सो There will definitely be someone chief among the many Brahmas. वो मुखिया हुआ प्रजापिता ब्रह्म। That is Prajapita Brahma. माना ब्रह्मा अलग और प्रजापिता ब्रह्म अलग हो जाते। It means Brahma and Prajapita Brahma both are different. Murli में भी बोला है। It has even been said in the Murlis. प्रजापिता चिंता प्रजापिता के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। यू चिल्ड्रन रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रजापिता। ब्रह्मा के द्वारा वर्षा नहीं मिलता। यू डोंट रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम ब्रह्मा। माँ से कभी वर्षा नहीं मिलता। यू नेवर रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम द मदर। तो तुम जानते हो? सो यू नो कि ब्रह्मा के पीछे क्या क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है? What the history and geography of Brahma is? तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। No one except you knows that. अभी तुम्हारी बुद्धि में है। Now it is in your intellect. कि ऊंचे ऊंचे बाप, ऊंचे
भी उच्च धाम में रहने वाला है। द हाइस्ट ऑफ द हाई फादर रिसाइड्स इन द हाइस्ट ऑफ द हाई अबोर्ड। नीची स्टेज में रहने वाला नहीं है। He doesn't remain in a low stage. फिर तुम्हारी बुद्धि में सूक्ष्म बदल का दीजिए। Then the knowledge of the subtle world is also present in your intellect. मनुष्य ही फिर फरिश्ते बनते हैं। Human being themselves become angels. फरिश्ता फिर सुदेवता बनते हैं। Then the angels themselves become deities. इसलिए सूक्ष्म बदल दिखाया है। This is why the subtle world has been shown. और सूक्ष्म बदल का तो नाम और निशान तुम अभी सुनते हो। And it is now that you come to know about the existence of the subtle world. तुम आत्मा जानती हो। ये शरीर सूक्ष्म बदल में नहीं जाएगा। You souls know that this body won't go to the subtle world. ये इस दुनिया की चीज है। It belongs to this world. पांच तत्वों की दुनिया में ये देह होती है। This body is present in the world of five elements. सूक्ष्म बदल में देह नहीं होती। The body isn't present in the subtle world. हड्डी मांस समस्या नहीं होता। Bones, flesh and marrow don't exist there. वहाँ जाते कैसे? How do people go there? कहाँ? Where? सूक्ष्म बदन में कैसे जाते हैं? How do people go to the subtle world? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र। That is called the third eye. जो सूक्ष्म बदन में जाते हैं वो शरीर से नहीं जाते, काय से जाते हैं। Those who go to the subtle world don't go there with their body. How do they go? मन बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से जाते। They go there through the third eye of the mind and intellect. उसे दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। That is called divine vision or trance. तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। यू सी ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर इन ट्रांस। बाबा ने समझाया है। बाबा हैज एक्सप्लेन्ड कि शंकर का कोई ताल्लुक नहीं। दैट शंकर डजंट हैव एनी कनेक्शन। क्या? व्हाट? शंकर का कोई ताल्लुक नहीं है, उन पर तो कोई भी काम नहीं है। शंकर डजंट हैव एनी कनेक्शन, ही डजंट हैव एनी वर्क। वो क्या करता है? व्हाट डज ही डू? शंकर क्या करता है? व्हाट डज शंकर डू? कुछ भी नहीं। ही डज नथिंग एट ऑल। जब कुछ भी करता ही नहीं। When he doesn't do anything at all, तो त्रिमूर्ति में क्यों बैठाया हुआ है? Why has he been placed among the त्रिमूर्ति? कहते हैं कि त्रिमूर्ति में अगर शंकर को न बैठा दे। It is said that if Shankar isn't placed in the picture of the त्रिमूर्ति, तो त्रिमूर्ति की शोभा ही नहीं होगी। इट विल लूज इट्स ब्यूटी। अरे जब कुछ करता धरता नहीं है तो शोभा कैसे होती? अरे व्हेन ही डजंट डू एनीथिंग एट ऑल, हाउ डज ही ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द पिक्चर? सारी शोभा है याद की। द एंटायर ब्यूटी इज ऑफ रिमेम्बरेंस। बोला जाता है योग बल से तुम बच्चे विश्व की बात चाहिए लेते। इट इज सेड योर चिल्ड्रन अटेन द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। इसके लिए कर्म इंद्रियों से कुछ काम करने धरने की दरकार भी नहीं। देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग थ्रू द कर्मेंद्रिया फॉर दैट। वाचा
से बहुत कुछ बोलने करने की भी दरकार नहीं। देर इज नो नीड टू स्पीक अ लॉट ईदर। कोई भाग दौड़ की दरकार नहीं। देर इज नो नीड टू रन हियर एंड देयर एट ऑल। अब तक 70 साल इस यज्ञ में पूरे हुए। सो फार दिस यज्ञ हैज क्रॉस्ड 70 years। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? इज एनी ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स? नहीं आ रहा है। क्यों? इट इज इंट बाय योग बल नहीं। क्यों परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है? Why is the transformation not visible? क्योंकि पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बना। ब्राह्मणों का कोई संगठन नहीं बना। It is because no gathering of the Brahmins has become the one having a firm faithful intellect. और जब एकमात्र भी संगठन पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा। And when even one gathering becomes the one having a firm faithful intellect, तो वो संगठन ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं बाहर की दुनिया में भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। That gathering will start being revealed not only in the world of Brahmins but also in the outside world. 108 की माला को खींच लेगा। That gathering will attract the rosary of 108. मनुष्य शक्ति की जो भी विशेष विशेष बीज उपासनाएं हैं सबका संगठन मिलकर एक हो जाएगी। The gathering of all the special seed form souls of the human world will combine and become one. इस माला रूपी संगठन की यादगार हर धर्म में आज भी स्मरण की जाती है। The yadgar of that rosary-like gathering is remembered in all the religions even now. कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिनमें उन विशेष आत्माओं की स्मृति न की जाती। There is no religion of the world which doesn't remember those special souls. तो साबित होता है ये संगठन So, this proves that this gathering is formed through the power of the remembrance of the intellect. मनसा की शक्ति से ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी। The new world will be revealed only through the power of the mind. मनसा की शक्ति से ही पवित्र वातावरण बनेगा। The atmosphere will become pure only through the power of the mind. इसलिए योग बल से विश्व की बात सही गई हुई। This is why it is praised that the emperorship of the world is attained through the power of remembrance. ज्ञान बल से धारणा बल से भागदौड़ की सेवा के बल से कि भागदौड़ की सेवा तो बाहर से दिखाई पड़ती है। भाषण आदि करने की भी सेवा बाहर से दिखाई पड़ती है लेकिन मनसा की सेवा बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। इट इज इंट अटेंड थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज द पावर ऑफ असिमिलेशन थ्रू द पावर ऑफ फिजिकल सर्विस द फिजिकल सर्विस इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द सर्विस ऑफ गिविंग स्पीचेस एटसेट्रा इज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बट द सर्विस थ्रू द माइंड इज इंट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ है। सो योर पुरुषार्थ इज हिडन। जितना ही प्रत्यक्ष करेंगे उतनी ही उसकी ताकत कम होती जाएगी। द मोर यू रिवील इट द मोर इट्स पावर विल डिमिनिश। चाहे धन की सेवा हो चाहे तन की सेवा हो चाहे वाचा की सेवा हो वेदर इट इज द सर्विस थ्रू वेल्थ body or speech. इसलिए बोला this is why it has been said कि एक एक को बैठ करके समझाना।
यू हैव टू सिट एंड एक्सप्लेन द नॉलेज टू ईच वन इंडिविजुअली। पब्लिक के बीच में बैठ भाषण दिया जाता है, उससे कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। वन कांट अंडरस्टैंड द नॉलेज व्हेन समवन गिव्स अ स्पीच इन पब्लिक। एक एक प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा, दूसरा दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा। वन विल एमिट वन काइंड ऑफ वाइब्रेशंस एंड द अदर विल एमिट अनदर काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। सभा में जितने बैठने वाले हैं, वाचा का भाषण सुन करके अनेक प्रकार के वाइब्रेशन फैलावेंगे। All the people attending the assembly will listen to the speech and spread different kinds of vibrations. और सब के वाइब्रेशन आपस में टकरावेंगे। And the vibrations of everyone will clash with one another. तो वाचा की पावर से विश्व की बादशाही हासिल नहीं हो सकती। So, the emperorship of the world can't be attained through the power of speech. मनसा की पावर है, मन बुद्धि की जो पावर है एकाग्रता की, उससे नई दुनिया तैयार होती है, नया संगठन तैयार होता है। द न्यू वर्ल्ड, द न्यू गैदरिंग इज फॉर्म थ्रू द पावर ऑफ द माइंड, थ्रू द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। और मनसा का काम किसी को देखने में नहीं आता। And the effort of the mind isn't visible to anyone. कर्मेंद्रियों का काम सब कोई देखते हैं। The actions performed through the कर्मेंद्रिया are visible to everyone. ज्ञानेंद्रियों का काम भी देखने में आता है। The actions performed through the ज्ञानेंद्रिया are visible. वाचा का काम भी देखने में आता है। Speech is also visible. इनका पॉम्प एंड शो भी देखने में आता है। Its pomp and show is also visible. लेकिन मनसा की एकाग्रता किसके अंदर कितनी है? कर्म करते हुए भी मनसा की एकाग्रता होती है, लेकिन वो देखने में नहीं आती। इसलिए बोला But the level of the concentration of the mind in each and everyone, the mind can remain focused even while working, but that isn't visible. This is why it was said, कि शंकर के ऊपर कोई काम नहीं। शंकर doesn't have any work जो देखा जा सके, that can be seen, समझा जा सके, or understood. काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है। Work is done through the कर्मेंद्रिया। वाचा की शक्ति से किया जाता है, दृष्टि से किया जाता है। Through the power of speech and vision. शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। What does शंकर do? He does nothing at all. इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर है ही नहीं। That doesn't mean that शंकर doesn't exist at all. है? तो चित्र बनाया हुआ ही डज एग्जिस्ट इट इज देन दैट हिज पिक्चर्स हैव बीन मेड। चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? बाय आर पिक्चर्स मेड। मूर्तियाँ किस लिए बनाई जाती है? बाय आर आइडल्स मेड। जो किया हुआ चरित्र है उस चरित्र को दिखाने के लिए चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है। पिक्चर्स एंड आइडल्स आर मेड टू शो द एक्शंस दैट हैव बीन परफॉर्म्ड। तो बोला सो इट वॉज सेड वो लोग दिखाते हैं कि शंकर की आंखों को खोलने से विनाश हो जाता है। दोज पीपल शो दैट द डिस्ट्रक्शन हैपेंस एज सून एज शंकर ओपन्स हिज आईज। या व्हाट? शंकर ने आंख खोली और दुनिया का विनाश हो गया। The world gets destroyed as soon as Shankar opens his eyes. तो अच्छा है ना कि ज्ञानेंद्रिय रूपी आंख बंद ही बनी रहे। तीसरा देख। नहीं तो विनाश कर देगा।
इट इज बेटर इफ हिज आई ऑफ नॉलेज ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड और एल्स ही विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब इन बातों से तो कोई समझ नहीं सकता। नाउ नो वन कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज विद सच कॉन्सेप्ट्स। इन बातों से विच कॉन्सेप्ट्स? कि शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से दुनिया का विनाश हो जाता है। That the world gets destroyed as soon as Shankar opens his third eye. अभी तुम जानती हो। Now you know. कि विनाश का समय तो अभी हो गया है। That the time of destruction has arrived. विनाश सामने खड़ा हुआ है। The destruction is in front of us. तब कहा जाता है। It is then that it is said. कि शंकर द्वारा विनाश। अरे The destruction is done through Shankar. अरे विनाश हो गया, टाइम हो गया विनाश का, तो टाइम को कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। The time of destruction has arrived, so is it set for the time the destruction through Shankar? टाइम को नहीं कहा जाता। It isn't about the time. कालों का काल महाकाल क्यों कहा जाता है? काल माने क्या? Then why is it said the death of the deaths महाकाल? What does काल mean? काल माना समय। काल means time. एक होता है सामान्य काल, सामान्य मृत्यु जो हर दुनिया की होती ही रहती है। One is ordinary death that you keep experiencing in the world. सत्य के आदिकाल सतयुग से ही सामान्य मृत्यु तो सबकी होती रहती है। Everyone definitely keeps experiencing the ordinary death from the beginning of the world, the golden age itself. लेकिन एक होता है कालों का काल महाकाल। But one is the death of the deaths महाकाल। वो जब प्रत्यक्ष होता है। When he is revealed. तो सारी दुनिया काल के गाल में चली जाती है। The entire world goes in the jaws of death. इस समय की गति को परिवर्तन करने वाला कौन हुआ? Who is this one who changes the flow of time? कहते हैं ना? Children say this, don't they? कि जब टाइम आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। Transformation will happen when the time comes. हमारे में तो ताकत नहीं है कि हम कुछ बदल कर दिखा दें। We don't have the strength to bring about a transformation. समय ही करा देगा। Time itself will make that happen. तो समय जड़ हुआ या चैतन्य हुआ? So is time inert or living? समय भी जड़ हुआ। Time is also inert. जड़ समय को चैतन्य कर, जड़ समय को पलटने वाला कोई चैतन्य जरूर है। देयर इज डेफिनेटली अ लिविंग बीइंग हु ट्रांसफॉर्म्स द इनर्ट टाइम। जिसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। ही इज कॉल्ड द डेथ ऑफ द डेथ्स महाकाल। सारी दुनिया की रीति भीत कोई पलट देता है। ही चेंजेस द वेज एंड कस्टम्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन किसकी याद से? बट थ्रू हूज रिमेम्बरेंस? शिव बाप की याद से। थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर शिव। कोई कहे कि हमको तो बोला गया है कि शिव बाबा को याद करो। इफ समवन सेज वी हैव बीन डायरेक्टेड टू रिमेम्बर शिव बाबा तो कल्याण हो जाएगा। सो दैट वी आर बेनिफिटेड। ये शिव बाप की याद फिर कहाँ से आई? देन हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेम्बरिंग द फादर शिव अराइज? शिव बाप की याद से सारी दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। इफ द एंटायर वर्ल्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर शिव तो हम भी शिव बाप को क्यों नहीं याद करें? देन वाई शुडंट वी टू रिमेम्बर हिम? शिव बाबा को याद करने की क्या दरकार? What is the need to remember Shiv Baba? Eh?
बोला इट हैज बीन सेड तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी भी याद आवेगी. The point itself will come to your intellect when you say Baba. Teri mana? Koi ek atma hai. Jiski buddhi mein Baba kehne se koi sakar alag se yaad nahi aata. Yoti bindu baap sada sibhi hi yaad aata. Your means there is one such soul who doesn't remember any corporeal being when he says Baba. तो एक के लिए वो ज्योति बिंदु शिव शिव बाबा है और बाकी सब के लिए ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहेंगे. He remembers only the point of light father Sadashiv. So that point of light Shiv is Shiv Baba for only that one. And what about everyone else? वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है बाबा नहीं. The point of light won't be called Baba for them. He is the father of all the point souls. He isn't Baba for them. वो जिसके द्वारा आकर के बाबा बनता है वो उसी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके ग्रैंड फादर बनता है. The one through whom he becomes Baba, he enters that very one and becomes the grandfather. Yagya ke aaj ki baat hai. It is about the beginning of the yagya. Om Shanti. Om Shanti.